भिवंडी में चुनी गई महापौर प्रतिभा विलास पाटिल ने रोड की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि राजू गांधी फ्लाईओवर से लेकर धामनकर नाके तक रोड बहुत ही जर्जर हालत में था, जिसकी वजह से शहर में रहने वाले लोगों को रोड की हुई इस खस्ता हालत से कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। अगर देखा जाए तो 2.5 साल से किसी ने इस रोड की समस्या के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि गणपति विसर्जन पर भी रोड के खड्डों का काम नहीं हुआ। पर जैसे ही भिवंडी महानगर पालिका में 5 दिसंबर को चुनाव में प्रतिभा विलास पाटिल को महापौर चुना गया, उसी दिन से प्रतिभा पाटिल ने रोड की मरम्मत का काम शुरू कर। बता दें कि महापौर प्रतिभा पाटिल के साथ नगर सेविका नम्रा औरंगजेब, नगर सेवक मलिक मोमिन, तफज्जुल हुसैन अंसारी, याकूब शेख, समाज सेवक तवाब अंसारी, आवेश अंसारी भी शामिल थे। महापौर प्रतिभा पाटिल ने कहा कि पीर के दिन से हम अपना चार्ज संभालेंगे और उसके बाद भिवंडी शहर में कोई भी रास्ता खराब नहीं होगा। बता दें कि महापौर प्रतिभा पाटिल कल और आज दोनों ही दिन राजीव गांधी फ्लाईओवर पर खुद खड़े रहकर खड्डे से भरे इस ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर रास्तों का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में हमारे चैनल से संबंधित प्रतिभा पाटिल व नगर सेवकों ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस खास रिपोर्ट में। बताना चाहूँगी अभी हम लोग ने चार्ज संभाला हुआ नहीं है, जो टेम्पररी जो खड्डे हम लोग को पब्लिक को तकलीफ दे रहे हैं वो खड्डों को हम पहले भर रहे हैं और जब मैं चार्ज लूँगी तो इसका जो टेंडर है और जितना उसका भरने का है तो कोशिश करेंगे। तो आपका अनुमान है कि भिवंडी गड्ढा मुक्त कब तक हो सकता है? अल्लाह ने चाहेगा तो 2 महीने के अंदर सब रोड के खड्डे भर दिए जाएंगे। मैडम आइए, इंशाल्लाह काम होगा अच्छा।